हाय, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि सॉलिड स्टेट में आता है। तो बच्चों के रिकमेंडेशन पे मैं आप लोगों को आज ब्रेग्स लॉ को एक्सप्लेन करूंगा डीपली कि किस प्रकार से ब्रेग्स लॉ की हेल्प से हम किसी भी क्रिस्टल में प्रेजेंट जितने भी पैरेलल प्लेन हैं उनके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर दे, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरप्लेनर डिस्टेंस बाय यूजिंग द ब्रेग्स लॉ। ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है इन ए या फॉर ए क्रिस्टल। किसी एक क्रिस्टल के लिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस कितनी होगी ये हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड आउट विद द यूज ऑफ ब्रेग्स लॉ। तो इसको समझने से पहले, अपने को ब्रेग्स लॉ को समझने से पहले हमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। इंटरप्लेनर का मीनिंग यही है, इंटरप्लेनर यानी कि जो क्रिस्टल के अंदर, जैसे मानो कोई भी क्रिस्टल है, हमें पता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, इस क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊं, जैसे मान लो ये एक कोई क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें ये साइड मान लो एक्स एक्सिस है, यहां से ये, यहां ये मान लो वाई एक्सिस है और यहां ये मान लो जेड एक्सिस है। तो एक ऐसा प्लेन जरूर रहा होगा जो इस सेंटर से, इस सेंटर से पास कर रहा होगा। यानी कि जैसे मान लो अगर मैं उसको ड्रा करना चाहूं तो वो प्लेन कुछ इस प्रकार का रहा होगा, इस प्रकार का यू यू, ठीक है, जो कि इस वाई और जेड प्लेन में से पास कर रहा है, जो कि इस वाई और जेड प्लेन में से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ऐसे ही कोई दूसरा अनुदर कोई प्लेन इसमें रहा होगा, कोई दूसरा, जैसे मान लो इन बिटवीन से मैं पास करता हूं, यहां से कोई दूसरा प्लेन मैंने पास कर दिया, यहां से इन बिटवीन से, तो इन बिटवीन से जैसे पास करूंगा तो यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी रह गई, ए, और यहां से ये डिस्टेंस कितनी रह गई, ए, यानी कि जितनी ये डिस्टेंस है उतनी क्या है, ये डिस्टेंस है। बट ये दो प्लेन पी वन और जो पी टू है, दोनों को दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे ही पता नहीं कितने सारे प्लेन प्रेजेंट हैं क्रिस्टल के अंदर जो कि आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। उन सभी क्रिस्टल प्लेन में से कोई एक प्लेन ऐसा जरूर रहा होगा पूरे क्रिस्टल में, जितने भी क्रिस्टल प्लेन प्रेजेंट है, जितने भी पैरेलल क्रिस्टल प्लेन प्रेजेंट है, उन सभी पैरेलल क्रिस्टल प्लेन में एक क्रिस्टल प्लेन ऐसा जरूर रहा होगा जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट से होते हुए जाए। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर, ये जो सिस्टम है ये सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक बोले तो एक प्रकार से इसके जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ऑल द कॉर्नर पे, बस ओनली, क्योंकि मैं किसका ले रहा हूं, सिंपल क्यूबिक। तो जो पी वन है वो चार एटम्स में से पास हो रहा है, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन। बट जो पी टू है वो प्लेन प्लेन का तो काम कर रहा है, क्योंकि प्लेन इमेजिनरी टू डायमेंशनल प्लेन पास किया तो ये हाफ मिरर इमेज हो गई दूसरी की, ठीक है, यानी कि पी वन भी प्लेन है, पी टू भी प्लेन है, बट पी वन पास हो रहा है चार नंबर ऑफ एटम्स में से, पी टू पास एक भी से नहीं हो रहा। तो दोनों के दोनों है तो क्रिस्टल प्लेन, बट पी वन जो क्रिस्टल प्लेन है ये चार नंबर ऑफ एटम्स में से पास हो रहा है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, दैट क्रिस्टल प्लेन इज नोन एज द यूनिट प्लेन। यानी कि वो क्रिस्टल प्लेन, क्रिस्टल के अंदर वो क्रिस्टल प्लेन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट में से क्या हो, पास हो, उस क्रिस्टल प्लेन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेन। और इस यूनिट प्लेन के रेस्पेक्ट में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, यानी द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन फ्रॉम द यूनिट प्लेन इन ए क्रिस्टल इज नोन एज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस।
अब इस इंटरप्लेनर डिस्टेंस को ब्रैग्स लॉ की हेल्प से किस प्रकार से हम एक्सप्लेन करें, आइए हम वो देखते हैं। जैसा कि हमें पता है, हमें ये पता है कि भी कोई भी क्रिस्टल है उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कह सकते हो आप, किसी भी क्रिस्टल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रिस्टल प्लेन प्रेजेंट है, और उन सभी इनफाइनाइट क्रिस्टल प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल क्रिस्टल प्लेन प्रेजेंट जरूर रहे होंगे। तो मैं उन्हीं को ड्रा करता हूं, जैसे मैंने यहां पे मैंने ड्रा कर रखा है, ये कोई क्रिस्टल था, ये कोई भी क्रिस्टल था, मुझे नहीं पता किस भी एटम का है, किसी मेटल का है, ये कोई क्रिस्टल है जिसके अंदर चार प्लेन मैंने ड्रा किए, P1, P2, P3 एंड P4, चार पैरेलल प्लेन क्या कर दिए, ड्रा कर दिए। प्रत्येक प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज दिस D, D एंड D, डी बोले दो इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2, दैट इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन P2 एंड P3, दैट इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन P3 एंड P4, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बोले तो एक प्रकार से ये अगर इस पॉइंट को मैंने बी नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने क्यू नाम दिया, तो जो बी क्यू है वो बी क्यू कितनी है, दैट इज द डी, बोले तो इंटर प्लेनर डिस्टेंस, ये क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अच्छा, डीपली समझने की कोशिश करते हैं, देखो हो क्या रहा है। अब इस डी को डिटरमाइन करने के लिए मैंने इस क्रिस्टल प्लेन के ऊपर कोई एक्सरे को क्या किया, इंसिडेंट, ये जितनी भी रे हैं ये सारी की सारी क्या है, एक्सरे है। एक्सरे के ऊपर क्या की, क्या 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 इंसिडेंट किया, अलग अलग वेवलेंथ की जो एक्सरे लाइट है वो इनके ऊपर क्या किया मैंने, इंसिडेंट किया। तो मैंने देखा कि कुछ एक्सरे तो ऐसी हैं जो P1 प्लेन के ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बट कुछ एक्सरे ऐसी भी हैं जो P1 को तो करेंगी पेनिट्रेट, P1 को पेनिट्रेट कर रही हैं, पेनिट्रेट करने के बाद P2 की पर वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ ऐसी भी हैं जो P1 को भी पेनिट्रेट करती है, साथ साथ P2 को भी पेनिट्रेट कर रही है, और P3 के ऊपर जाके क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ये पेनिट्रेशन का मतलब है उसके आर पार हो जाना, उस चीज के अंदर से पास होना, हो जाना, गुजर जाना, दैट इज द पेनिट्रेशन। तो डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ एक्स रे द इंसिडेंट लाइट आर पेनिट्रेट फॉलोइंग प्लेन्स, डिपेंड करेगा किस एनर्जी की एक्सरे हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं। तो मैंने तीन एग्जांपल लिए हैं, तीन रे ली हैं। रे नंबर पहली जो है P1 के ऊपर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रे नंबर टू जो है वो P1 को तो पेनिट्रेट कर रही है बट P2 के ऊपर जाके क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रे नंबर थ्री जो है वो P1 और P2 दोनों को ही क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, और P3 के ऊपर जाके क्या हो रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कि एक प्रकार से मैं ये कहूं कि जो वेवलेंथ है इसकी वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज द फंक्शन ऑफ पेनिट्रेशन पावर, ये कह सकते हो, इज द फंक्शन ऑफ पेनिट्रेशन पावर, या ये कहो कि जो एक्सरे है या जो पेनिट्रेशन पावर है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रही है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे पे, या आप ये कह सकते हो इसको कि पेनिट्रेशन जो पावर है इज डिपेंड ऑन द या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। जब कोई भी एक्सरे पेनिट्रेट करेगी तो देखोगे आप कि रे ने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की है। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं, मेरे पास ए बी को रे थी, ए बी यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट से चलती आ रही है, बी के ऊपर जाके क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट। ए बी को रे है, थीटा एंगल के ऊपर ये यहां पे इंसिडेंट हुई और थीटा एंगल से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ए बी इंसिडेंट रे जहां पर इंसिडेंट एंगल थीटा, एंड बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे जहां पर रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा, और इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बट द सेकेंड रे, सेकेंड जो एक्सरे है जिसकी वेवलेंथ
पहले के कंपैरिजन में कुछ और है, यानी कि इसकी यदि लैम्डा वेवलेंथ है तो इसकी लैम्डा डैश है। मुझे नहीं पता ये लैम्डा डैश लैम्डा से कम है ज्यादा है, मैं मान लेता हूं इससे अलग है। जैसे अलग हुई वैसे पी क्यू लाइट ने क्या किया, पी वन को पेनिट्रेट कर दिया। पेनिट्रेट होने के बाद क्यू पॉइंट के ऊपर ये लाइट जाके क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहां पर देखोगे कि जिस एंगल से रे नंबर फर्स्ट इंसिडेंट हो रही थी उसी एंगल से रे नंबर सेकंड को हम लोगों ने क्या किया है, इंसिडेंट यहां पे करवाया है। ठीक है, यानी कि दोनों ही केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या है, इक्वल है। बट जो रे नंबर सेकंड है उसने ये डिस्टेंस पी डैश क्यू एंड क्यू क्यू डैश एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की है। कैसे पता लगाया, कि मैंने ए बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो कि पी डैश पॉइंट के ऊपर कट करता है पी क्यू लाइन के ऊपर। तो पी पी डैश इज इक्वल टू ए बी, यानी कि यहां से क्या पता लगा कि पी पी डैश किसके बराबर है, दैट इज द ए बी के बराबर है। सिमिलरली बी सी किसके बराबर होगा, क्यू डैश और आर। सिमिलरली बी सी किसके बराबर है, क्यू क्यू डैश, क्यू डैश और आर। यहां पे क्या आएगा, क्यू डैश और आर, दैट इज दिस। ठीक है, यानी कि जो रे नंबर सेकंड थी, रे नंबर सेकंड है उसने क्या किया है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की है। कितनी क्या किया है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी कवर की है, पी डैश से क्यू और क्यू से फिर क्यू डैश, पी डैश से क्यू प्लस में क्यू से कहां, दैट इज द क्यू डैश। सिमिलरली रे नंबर जो थ्री है वो भी क्या करेगी, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी, कितनी, दैट इज द, यहां से देखोगे फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, तो x डैश से y एंड y से y डैश, x डैश से y और y से y डैश, ये डिस्टेंस क्या किया है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की है। अब जो भी ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि यहां पर इंसिडेंट एंगल का वेवलेंथ मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, यानी कि दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन, यानी कि फंक्शन ऑफ किसका, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसको आप बोल सकते हो फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि सिर्फ मेरे को ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करनी है, फाइंड आउट करनी है कि कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की रे नंबर सेकंड ने और रे नंबर थर्ड ने। अब मैं सिर्फ यही निकालने की कोशिश करता हूं, तो आप इस फिगर से देखना, यहां से इसको थोड़ा सा अगर जूम करके लिखता हूं, ये यहां पे क्या है पी वन है और ये यहां पे क्या है, दैट इज द पी टू है। ठीक है, ये डिस्टेंस ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट क्यू है, ये डिस्टेंस डी है, यहां से लाइट आई दैट इज द ए। ठीक है, और यहां से ये लाइट आई, ठीक है, दैट इज द पॉइंट पी, यहां से लाइट गई दैट इज द पॉइंट सी, यहां से ये लाइट गई, पैरलर जाएगी बिल्कुल, यानी कि दोनों ही लाइट क्या है, पैरलर है। मैंने जूम करके लिख दिया ये क्यू और ये पॉइंट कौन सा है, आर। यहां पे हम लोगों ने क्या ड्रा कर रखा है, एक परपेंडिकुलर, यहां पे हम लोगों ने क्या ड्रा कर रखा है, एक परपेंडिकुलर, ये पी डैश पे कट कर रहा है, ये क्यू डैश पे कट कर रहा है। अब मेरे को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ये वाली, यानी कि यहां से लेके ये प्लस यहां से लेके ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि मेरे को फाइंड आउट क्या करनी है, मेरे को फाइंड आउट करना है पी डैश क्यू प्लस में क्यू क्यू डैश की वैल्यू मेरे को निकालनी है यहां से। जैसे ये निकल जाएगी मेरे को ये पता है किसके बराबर होगा, दैट इज द एन लैम्डा, यानी कि फंक्शन ऑफ लैम्डा। अब कैसे निकालेंगे जी, ये एंगल अपना थीटा था, ये भी एंगल कितना था जी, थीटा था। तो ध्यान से देखना, ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये थीटा है, तो ये कितना बच गया जी, यहां पे ये कितना बच गया, दैट इज द बच गया 90 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया है। सिमिलरली यहां से ये जो एंगल है कौन सा, यहां से लेके ये एंगल, दैट एंगल इज 90 डिग्री एंगल, इसे मान लो ये आर है, आर बी क्यू इज ऑल्सो 90। अब 90 में से ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बच गया,
दैट इज द थीटा. सिमिलर इन दिस वे दिस इज ऑल्सो द थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना है, दैट इज द 90 माइनस ऑफ थीटा. ओके, ये 90 का, ये 90 और ये 90, समझ में आ गया होगा. अब कैसे निकालेंगे जी, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ. ट्राइंगल लेता हूं मैं, कौन सी ट्राइंगल, ई पी डैश बी और क्यू, पी डैश बी और क्यू ट्राइंगल में आप साइन ऑफ थीटा एक वैल्यू निकालो. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस. अब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, पी डैश क्यू, पी डैश क्यू डिवाइड बाय. अब हाइपोटेनस कौन सा होगा, ये 90 के सामने, दिस दिस इज द डी क्यू, दिस इज द डी क्यू, यानी कि पी डैश क्यू डिवाइड बाय डी. तो यहां से पी डैश क्यू की वैल्यू क्या निकल के आई आप लोगों की, डी साइन ऑफ थीटा एक वैल्यू निकल के आएगी. सिमिलरली आप ट्राइंगल और दूसरी बी क्यू डैश क्यू, बी क्यू क्यू डैश लो, बी क्यू क्यू डैश, इसमें साइन थीटा की वैल्यू फिर से वही परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर क्या है, थीटा ये रहा, तो परपेंडिकुलर क्या रहा, क्यू क्यू डैश, क्यू क्यू डैश डिवाइड बाय हाइपोटेनस, दैट इज द बी क्यू, दैट इज द बी क्यू. आंसर कितना आया, क्यू क्यू डैश डिवाइड बाय डी, यानी कि यहां से भी वैल्यू क्या निकल के आ गई, अपनी वैल्यू निकल के आ गई क्यू क्यू डैश, दैट इज द डी साइन ऑफ थीटा. तो ये जो वैल्यू थी, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसने कवर की थी, यहां पे मिटा देता हूं एक बार इसको, ठीक है, मिटा देता हूं एक बार इसको. जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर की थी, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो कवर की है, कवर बाई रे नंबर सेकेंड, वो कितनी है, दैट इज द पी डैश क्यू प्लस क्यू क्यू डैश. आंसर कितना आया है, डी साइन ऑफ थीटा प्लस डी साइन ऑफ थीटा. आंसर कितना आया, दैट इज द टू डी साइन ऑफ थीटा. और दिस इज द फंक्शन ऑफ लैम्डा, दिस इज द क्या है, फंक्शन ऑफ लैम्डा. तो इसमें इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट इज द एन लैम्डा और इज इक्वल टू टू डी साइन ऑफ थीटा. दिस इज नोन एज द ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है, ब्रैग्स इक्वेशन. जहां पर ये डायग्राम जो है आप नोटबुक में बना लेना, उसको सोल्व करना कि कहां पे क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. यदि आपको समझ में ना आए तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से एक बार वीडियो अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए, ठीक है. अच्छा, अब इसमें जो एन है, ये है क्या, एन यहां पे है क्या, एन है ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि किस ऑर्डर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. लेट अस कंसीडर कि एन क्या हो रहा है, लेट अस कंसीडर, लेट मान लो एन यहां पे वन है, एन की वैल्यू वन है, मतलब रे आर रिफ्लेक्ट हो रही है, रे आर रिफ्लेक्ट ऑन पी वन नंबर फर्स्ट आएगी और रिफ्लेक्ट होगी, पेनिट्रेट नहीं कर रही हो, डायरेक्ट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. अगर एन की वैल्यू दो हो, इसका मतलब क्या है, रे आर रिफ्लेक्ट ऑन पी टू, सेकेंड नंबर ऑफ प्लेन पर रिफ्लेक्ट होगी. एन बराबर थ्री का मतलब क्या है कि रे आर रिफ्लेक्ट ऑन पी थ्री, ठीक है. आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी. अब ब्रैक्स के अंदर, अब ब्रैक्स लॉ में तीन वेरिएबल आया, यहां पर तीन वेरिएबल है, क्या क्या, एक तो लैम्डा है, एक डी है, एक थीटा है, ठीक है. लैम्डा है, नोन है, किस वेवलेंथ की लाइट मैं इंसिडेंट कर रहा हूं वो जी मेरे को पता है. डी जी मेरे को फाइंड आउट करना है, यहां पे फाइंड आउट ये मेरे को करना है. थीटा दैट इज द अननोन है. तीन वेरिएबल है, एक पता करना है, दूसरा पता है, तीसरा पता नहीं. इट मींस मैं डी की वैल्यू यहां से फाइंड आउट नहीं कर सकता. डी की वैल्यू तभी पता कर पाऊंगा जब मुझे लैम्डा और थीटा दोनों की वैल्यू पता हो, यानी कि डी इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस थी डी, वो तब पता कर पाऊंगा तब लैम्डा भी पता हो और थीटा भी पता हो. तो लैम्डा तो मुझे पता है कि किस लाइट, किस वेवलेंथ की लाइट, किस वेवलेंथ की एक्सरे इंसिडेंट लाइट मैंने क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट की है,
वो तो मेरे को पता है, बट थीटा कितना है ये नहीं पता, किस एंगल पे यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पता। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ब्रैक्स ने कैसे निकाला, अपना एक ब्रैक्स डिफ्रेक्शन अपरेटस उसने बनाया, उसके हेल्प से उसने इस डी को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। कैसे जी, ऐसे उसने जी एक एक्सरे ट्यूब ली, जहां पर ये एक्सरे ट्यूब क्या करती है, एक्सरे को जनरेट करती है। यहां से एक्सरे क्या हुई, एमिट हुई। एमिट होने के बाद जो एक्सरे है वो कहां से हमने पास करवाई, वो स्लिट एस से पास करवाई। ये स्लिट एस है जहां से पास करवाई। स्लिट का काम होता है एक्सरे को फाइन बीम में कन्वर्ट कर देना। ये जो फाइन बीम है, आफ्टर द पासिंग थ्रू द स्लिट, ये फाइन बीम कहां गिरी, दैट क्रिस्टल के ऊपर गिरी, जो कि कहां प्रेजेंट होगा, इस टर्न टेबल में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्रिस्टल के ऊपर जैसे ही गिरेगी लाइट, तो ये जो एक्सरे है ये यहां पे क्या होगी, या तो पेनिट्रेट करेगी, पेनिट्रेट करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी, या फिर सीधी जाएगी पीवन के ऊपर ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमें नहीं पता क्या है, यानी कि यहां पे कितना ऑर्डर हुआ ये नहीं पता, यहां पे एन कितना हुआ ये नहीं पता, बट मेरे को ये पता है कि किस एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है, वो एंगल मैं यहां से इजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ठीक है, अब कैसे करूंगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, दिस लाइट, दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड लाइट। ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमने कहां भेजी जी, आयनाइजेशन चैम्बर आर में, जहां पे क्या प्रेजेंट है, SO2 गैस क्या है, प्रेजेंट है। यहां पे क्या है, SO2। अब वहां पर जैसे लाइट जाएगी, जैसे यहां पे लाइट गई, लाइट का मतलब एनर्जी गई, जब SO2 गैस को एनर्जी मिलेगी तो SO2 गैस का क्या होगा जी, आयोनाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी किसका क्या हो गया, आयोनाइजेशन टेक प्लेस, आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो कितना आयंस में कन्वर्ट हुआ है, कितना परसेंट आयन में कन्वर्ट हुई है SO2 गैस, यानी कि एक्सटेंट ऑफ, मैं क्या कहूं कि एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ SO2 गैस इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल। तो जी ब्रैक्स ने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, मैं एक बार मिटा देता हूं ये, ठीक है एक बार मिटा देता हूं, फिर समझते हैं कहां पर किस प्रकार से हुआ। वैल्यू ये थी एन लैम्डा बराबर 2d साइन ऑफ थीटा। ब्रैक्स भाई साहब ने क्या किया जी, ये ग्राफ प्लॉट किया, जहां पे एक्स एक्सिस पे ले लिया इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, यहां इंसिडेंट एंगल है ओके, और यहां ले लिया जी एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, या आप इसको कह सकते हो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम, ठीक है, या इसको कह सकते हो एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम, जिस जो रिफ्लेक्टेड बीम की जो भी एनर्जी होगी, या बोले तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट की, कौन सी रिफ्लेक्टेड लाइट, जो क्रिस्टल के द्वारा रिफ्लेक्ट की गई है, उस इस लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कितना, आयनाइजेशन यहां पे SO2 गैस का कितना हुआ, उतना ही ज्यादा हुआ। तो मेरे को एक ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, जी तीन मैक्सिमा मिलता है जी, मेरे को यहां पर तीन मैक्सिमा ऑब्टेंड हुए। ठीक है, तीन मैक्सिमा हमने यहां पे क्या किया, ब्रैक्स ने यहां पे आइडेंटिफाई किया। वह एंगल कौन कौन से थे, पहला एंगल थीटा इज इक्वल टू 5.9, दूसरा एंगल 18.85 डिग्री, तीसरा एंगल 18.13 डिग्री। ये तीन एंगल प्राप्त हुए, यानी कि पहला जो थीटा है उस पर मैक्सिमम एंगल, पहला एंगल कौन सा है, 5.9, इट मींस यहां पे एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, यहां पे एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहां पे एन की वैल्यू कितनी है, दैट इज द 3 है। ठीक है, हमने क्या किया जी, डी भी निकाल, हमने क्या किया जी, थीटा को वैल्यू निकाल ली।
अलग अलग एन के ऊपर थीटा की वैल्यू मिल गई, लैम्ब्डे अपने को पता ही है, तो जी यहां से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और ये तो पूरा जो ग्राफ मैंने बनाया इंसिडेंट एंगल वर्सेस एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, ये एक पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए था, दैट इज द NaCl क्रिस्टल था। NaCl क्रिस्टल के लिए जो ग्राफ है, जो मैक्सिमा जो फाइंड आउट होता है, जहां पर SO2 गैस का आयनाइजेशन मैक्सिमम होगा, तो कौन कौन से एंगल है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन करना है तो 5.9 पे करना होगा, अगर सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन करना है तो 11.85 पे करना होगा, अगर थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 18.13 डिग्री पे ऊपर वो क्या होगा, पर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये था कि किस प्रकार से हम इंटरप्लेनेट डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ब्रेग्स लॉ। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमें इंटरप्लेनेट डिस्टेंस की को डिफाइन करना पड़ेगा, हमें ब्रेग्स लॉ जो ब्रेग्स इक्वेशन है n lambda बराबर 2d sin theta, इसको प्रूव करना पड़ेगा, फिर इसमें बताना पड़ेगा कि यदि मेरे को d की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा भी पता होना चाहिए और थीटा भी पता होना चाहिए। लैम्डा हमें पता है कि किस वेवलेंथ की लाइट में इंसिडेंट कर रहा हूं क्रिस्टल के ऊपर, वो चीज मेरे को पता है, बट थीटा मेरे को नहीं पता। थीटा जो है, ब्रेक्स ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसका नाम है एक्सरे डिफ्रेक्शन, ठीक है, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया एक्सरे के क्रोस्पॉन्डिंग, उसने क्या किया, एक्सरे को इंसिडेंट किया किसी क्रिस्टल के ऊपर, एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि टर्न टेबल के ऊपर प्रेजेंट है, टर्न टेबल मतलब ये रोटेट करती रहेगी, और ये क्रिस्टल जब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये कहां जाएगी, यहां पे क्या होगा, आयनाइजेशन चैम्बर, डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड लाइट कहां जाएगी, आयनाइजेशन चैम्बर में, जहां पर SO2 गैस का क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, SO2 गैस का क्या होगा, आयनाइजेशन, जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा, जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा SO2 गैस का, इट मींस रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी या रिफ्लेक्टेड लाइट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और वो कब रहेगी, वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगी, दैट इज द थीटा पे। तो NaCl के केस में जो थीटा की वैल्यू है वो ये मिलती है, हमने जब ब्रैक्स ने जब ग्राफ प्रूव किया तो, ठीक है, तो ये है आपका ब्रैक्स लॉ। ओके, थैंक यू सो मच, यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।